नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और भारत सरकार द्वारा देश भर में नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नशा जागरूकता वैन कुल्लू जिला पहुंची, जिसे उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अभियान के तहत कुल्लू जिले में 15 दिनों तक गाँव और शहर में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा भारत सरकार के सौजन्य से कुल्लू जिले में नशा मुक्ति भारत अभियान का आज शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में नशा एक ज्वलंत समस्या है और युवाओं को इसके खिलाफ जागरूक करना बेहद जरूरी है। बड़ा ही बर्निंग इशू है आजकल और हमारी सभी सेक्शंस में नशा मुक्ति का मैसेज देने की बहुत जरूरत है और सभी लोगों में अवेयरनेस करने की, इसका टैबू करने की बहुत ज़रूरत है। तो बहुत ही सोशली रेलेवेंट इशू है ये और हम सभी ब्रह्म कुमारी और सभी जो वॉलंटियर्स इसके साथ जुड़े हैं उनका धन्यवाद करेंगे और उनको शुभकामनाएं देंगे कि उनका मैसेज जनमानस में अच्छी तरीके से जाए। ईश्वरीय विश्वविद्यालय कुल्लू की प्रभारी बीके किरण ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत आज जागरूकता वैन कुल्लू पहुंची है, जिसके माध्यम से शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो के माध्यम से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए कई राज्यों में ये नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया जा रहा है। शिमला में, रामपुर में ये सब सेवाएं करते हुए, माया जलोड़ी होते हुए आज हमारे कुल्लू में आकर पहुंचा है। हम अपने कुल्लू को भी ऐसा ही नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे नशे की बात तो कोई सुनता नहीं है। किस तरह कुंभकर्ण की नींद में जैसे आत्माओं को जगाया जाता है, ऐसे ही मानव आज नशे में भी इतना मदहोश हो गया है कि उसको कैसे जगाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई भिन्न भिन्न हम अलग अलग युक्तियां, टैक्ट अपनाएंगे तो वो उस चीज को जरूर अपनाएगा।